टूडे वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आर यू रेडी तो फिर सुनिए दीब्रा वो कप विद अ वश जीब्रा उठा और उसके दिल में एक शौक पैदा हो गया I am tired of living in the wild, watching out for that scary wolf all the time। मैं तंग आ गया हूँ भाई जंगल में रहते रहते, हर वक्त उस खतरनाक जो वुल्फ है भेड़िया, उससे डरता रहूँ। I want to be in the village। मैं गांव में जाके रहूँगा। Where I can eat all the vegetables I want। जहाँ मैं सारी सब्जियाँ खा सकूँ एंड प्ले वीडियो गेम्स और वीडियो गेम्स भी खेल सकू सो दीबरा पुट ऑन हिज वार्म कोट फिल्ड हिज वाटर हिज बॉटल विद वाटर एंड जूम टू विलेज और उसके बाद जीब्रा साहब उठे उन्होंने अपना वार्म कोट पहना अपनी बॉटल में वाटर पानी डाला और जूम करके विलेज गांव चले गए जीब्रा हैप्पी सो बी इन द विलेज दैट ही वॉक स्ट्रेट इन टू द मार्केट जीब्रा साहब गांव जाके इतने खुश हुए कि सीधा बाजार में चले गए जीब्रा बाजार में पीपल इन द विलेज कैप्ट वॉचिंग हिम फॉर ए वाइल एंड देन सम वन फ्रॉम द क्राउड यल्ट पहले तो सारे लोग जो हैं वो उसको देखते रहे कि ये कौन जीपरा है जो गांव में आ गया है और सीधा बाजार में आ गया है और फिर किसी ने जोर की आवाज लगाई कॉल द वेट कॉल द वेट जानवरों के डॉक्टर वेट को बुलाओ वेट को बुलाओ जानवरों के डॉक्टर को बुलाओ

अच्छा जनाब जीबरा ने तो कभी वेट का सुना ही नहीं था कि वेट कौन होता है तो उसने पूछा वेट हुट वेट कौन होता है आई गिव मेडिसन टू एनिमल्स मैं एनिमल्स को दवाई देता हूं एक्सप्लेन द वेट

पॉइंटिंग टू अग मशीन एक बड़ी सी मशीन पड़ी थी उसकी तरफ देख के उसने कहा मशीन मशीन है हम देखते हैं कि जिसम के अंदर अगर बॉडी में कोई बोन हड्डी टूट जाए तो इस एक्सरे मशीन पर हम देखते हैं रिप्लाईड दवाब दिया दैट एक्सप्लेन टू सीप्रा वेट ने जीब्रा को कहा यू शुड नो दैट पीपल आर सरप्राइज टू सी अ ज़ीब्रा इन द विलेज। तुम्हें पता होना चाहिए विलेज में लोग जीब्रा को देख के हैरान हो रहे हैं तो आपको पता है कि इसके बाद फिर क्या हुआ चलिए यह हम कल सुनेंगे ओके अब आपने जितनी स्टोरी अभी सुनी है ये अब आप अपने घर वालों को सुनाएं i love is